बुलडोजर मामा के अवतार में आ चुके प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के तेवरों का असर जबलपुर में भी दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने आज ड्रग माफिया सहित दो सातिर बदमाशों के कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। उनके अवैध निर्माण को तोड़कर लाखों रुपए कीमती शासकीय जमीन कब्जा मुक्त कराया। कलेक्टर इलैया राजा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा और नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ की तिकड़ी का कहर सबसे पहले कुख्यात बदमाश ड्रग माफिया शेखर सोनकार के कब्जे पर टूटा। अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम के अतिक्रमण अमले और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ड्रग माफिया शेखर सोनकर के द्वारा 2000 वर्ग फीट शासकीय नजूल की भूमि पर किए गए कब्जे को तोड़ गया। आरोपी ने यहां टीन सेट व गोदाम बना लिया था। जमीन और निर्माण की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, सिंधी कैंप हनुमान ताल निवासी ड्रग माफिया शेखर सोनकर के खिलाफ 30 अपराध, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, बमबाजी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के दर्ज है। उसका क्षेत्र में काफी खौफ था। आरोपी के खिलाफ 28 अपराध हनुमान ताल और 2 अपराध बेलबाग में दर्ज हैं। संयुक्त हमला यहां से भरपूरा सुभाष नगर आधार ताल निवासी जितेंद्र उर्फ गोलू यादव का कब्जा तोड़ने पहुंचे। आरोपी के खिलाफ आधार ताल में 12 और घमापुर में 4 प्रकरण अवैध वसूली, बलवा, घर में घुसकर मारपीट, तोड़फीड़, आबकारी एक्ट जुआ के दर्ज है। उसने 3000 वर्ग फीट शासकीय नजूल की भूमि पर कब्जा कर दुकान और बाउंड्री वॉल बनवा लिया था। जमीन और निर्माण की कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। बुलडोजर लगवाकर इस निर्माण को भी संयुक्त अमले ने जमी दोज कर दिया है। विवाद की आशंका को देखते हुए कार्रवाई के दौरान सीएसपी ओमती आरडी भारद्वाज, सीएसपी आलोक शर्मा, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल, टीआई हनुमान ताल उमेश गलहोनी, चौकी प्रभारी प्रेम सागर एसआई प्रभाकर सिंह, 2IC बेलबाग एसआई केसर नंदन राय, नगर निगम उप मंत्री मनीष तट से राजू रेखवार अतिक्रमण हमला के साथ मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। नगर भरपुरा में ये कार्रवाई जो है गोलू जितेंद्र के अवैध मकान निर्माण कर दी गई है। उनके द्वारा जो अवैध तरीके से बाउंड्री वाल और मकान बनाया है, मकान लगभग कितने की संपत्ति है अनुमानित है, जो भूमि है और उस पर जो निर्माण किया गया था